अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही मज़े की दूध दुलारी, जो बहुत मज़े की बनेगी। रबड़ी टाइप आज हम बनाएंगे। इंशाल्लाह ताला आपको ये रेसिपी पसंद आने वाली है। शुरू करते हैं हम रेसिपी। जी ये 1 लीटर दूध लिया है हमने, ये डब्बे वाला दूध है। अगर आप फ्रेश यूज़ करना चाहें तो फ्रेश यूज़ कर लें। ये डब्बे वाला मैंने दिया है 1 लीटर दूध। तो अब हम जो है इसमें डालेंगे चीनी। मैं इसमें डालूंगी तकरीबन 1 कप के करीब, मैं इसमें चीनी डालूंगी। ये जो है 100 ग्राम के करीब चीनी ली है हमने, ये हम इसमें डाल दी हमने। और अब ये जो है इसमें मैंने थोड़ा सा दूध 1/2 कप के करीब बचाया है, मैं आपको दिखाती हूँ अभी। जी ये 1/2 प्याली मैंने ये दूध बचा लिया था इसमें से। और अब हम इसमें डालेंगे 2 टेबल स्पून, मैं इसमें डालूंगी कस्टर्ड पाउडर के, वनीला कस्टर्ड पाउडर। ये 2 टेबल स्पून हम इसमें डाल देंगे वनीला कस्टर्ड पाउडर। ये 1 टेबल स्पून, 1 टेबल स्पून और डालूंगी, 1 टेबल स्पून और डालेंगे। और अब हम इसको अच्छी तरह से कर लेते हैं इसमें मिक्स, ताकि जो है अच्छी तरह से लम्स इसके ख़त्म हो जाए। कस्टर्ड हमने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है और अब हम थोड़ा थोड़ा करके दूध में डालेंगे और साथ साथ चम्मच चलाते जाएंगे। 1/2 पहले डाल के तो चम्मच चला लेंगे, फिर हम 1/2 डाल लेंगे। सारा भी डाल देते हैं, चम्मच आपने बराबर चलाते रहना। ये 1 प्याली जो है मैंने कलर्ड सेवइयां ले ली हैं, ये हम इसमें डालेंगे और अच्छी तरह से हम इसको पका लेंगे इसके अंदर। बहुत ही टेस्टी बनती हैं ये। अब हम इसके अंदर पकाएंगे। वनीला एसेंस मैं इसमें डालूंगी तकरीबन 1 टीस्पून के करीब। इसको तकरीबन 10 मिनट के करीब जो है मैंने पका लिया और ये माशाल्लाह से थिक हो चुके हैं। अब हम जो है इसकी फ्लेम ऑफ कर देते हैं और थोड़ा सा ठंडा होने देते हैं। उतनी देर जो है मैं थोड़ा सा जो है ड्राई मिल्क पाउडर से हम खोया रेडी कर लेते हैं, वो भी मैं आपको साथ बता देती हूँ। तो 4 टेबल स्पून मैंने लिए हैं मिल्क पाउडर के लेवल करके। और ये 1/2 कप हमने लिया है दूध का, ये हम थोड़ा आधा कप जो है इसके अंदर मिक्स करेंगे इसको। और फिर जो है इसको मैं 1 मिनट के लिए जो है माइक्रोवेव कर लूँगी, तो झटपट सा हमारा खोया रेडी हो जाएगा। इसको पहले हम इसमें मिक्स कर लेते हैं। दूध को हमने अच्छी तरह से कर लिया है मिक्स, इसमें ड्राई मिल्क पाउडर को, जो लिक्विड मिल्क जो हमने लिया था उसमें अच्छी तरह से हमने मिक्स कर लिया। अब मैं 1 मिनट के लिए इसको जो माइक्रोवेव कर लूँगी। चीनी वगैरह हमने कुछ नहीं इसमें डालना, क्योंकि हल्का सा मीठा दूध में ही होता है। तो जी तो यम्मी सी सेवइयाँ हमारी रेडी हैं। ये थोड़ी सी टूटी फ्रूटी ली है, ये हम इसमें डालेंगे। और ये खोया हमने रेडी कर लिया है, ये मैं साइड पे करके आपको दिखाती हूँ। ये खोया जो है रेडी कर लिया है हमने माशाल्लाह से, बड़ा अच्छा सा ये रेडी हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, इसकी छोटी छोटी सी बॉल बना लेंगे और इसके अंदर डालेंगे, जो बहुत ही मज़े की लगेंगी। ये इतना सा हम लेके तो इसको छोटे छोटे बॉल्स ही बना लेंगे इसके, घुमा के इस तरह से। ये इस तरह से हमने बना ली, इस तरह से इससे बहुत ही मज़े का टेस्ट आएगा। ये हम इसके अंदर डाल देंगे, इस तरह से सारी हम बनाते जाएंगे और इसके अंदर डालते जाएंगे। इससे जो है ना आपने ठंडा करने पे ही डालना है, आपने जो है एकदम से गर्म में नहीं डालना, वरना ये फ़ौरन से मेल्ट हो जाएंगी, तो इसका जो टेस्ट मज़े का आएगा। ठीक है, आपने ठंडी कर लेनी है, बाउल में निकाल लेनी है और फिर जो है हमने इसमें ये बना बना के तो इस तरह से डालते जाना है। ठीक है, अच्छा ये देख जी। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई होगी। इंशाल्लाह ताला आपको ज़रूर पसंद आएगी, बहुत मज़े की बनती है। और आपने इसको ट्राई करना है और मुझे आपने कमेंट्स बॉक्स में बताना भी है कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। और प्लीज़ वीडियोस को फुल वॉच किया करें और आगे भी शेयर किया करें। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दें। जज़ाकअल्लाह, अल्लाह हाफिज़।